लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बाबू बरही विधानसभा के पूर्व विधायक राजद उमाकांत यादव के द्वारा प्रखंड मुख्यालय प्रतिरोध मार्च, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव स्टेशन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में महागठबंधन इकाई के सभी दलों के द्वारा प्रतिरोध मार्च भारी संख्या में निकाला गया, जहां कार्यकर्ताओं का जनसैलाब वर्तमान सरकार केंद्र सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए। R9 भारत जिला संवाददाता दिलीप कुमार यादव की रिपोर्ट। आज आपके कार्यालय से ज़्यादा संख्या में आपका कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, तो आज तो बताएंगे बाबूबड़ी विधानसभा के विधायक जी प्रोफेसर उमाकांत यादव की आज कुछ विशेष प्रोग्राम। हम बाबूबड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक हैं, मेरा नाम है उमाकांत यादव जी। जी, आज संपूर्ण बिहार में महागठबंधन के तरफ से महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के समस्या में खाद अनुपलब्धता के खिलाफ और ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर हम लोग संपूर्ण बिहार के जिला मुख्यालय पर धरना का प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसमें बाबूबड़ी प्रखंड से भी बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व MP श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग और महागठबंधन के नेतृत्व में सारे जितने महागठबंधन के दल के लोग हैं, नेता हैं, उनके नेतृत्व में आज हम लोग मधुबनी के जिला मुख्यालय में संपूर्ण बिहार में तो आज हम लोगों का प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। किसान को खाद नहीं मिल रहा है, नहर हो के पानी लोग देखता है लेकिन किसी भी ज़मीन में पानी नहीं जाता है। ये सरकार जैसे लोग भूखे मरता है और आगे में खाना पड़ा रहता है उसको खाने नहीं देता है, ये स्थिति अभी बिहार की है। कोसी नहर से अभी शाखा नहर जो बरेल से लेकर झंझारपुर तक है उसमें पानी चल रहा है लेकिन एक फोट पानी भी उससे नहीं चलते किसान को मिलता है। विभिन्न मुद्दाओं के खिलाफ मुद्दाओं को लेकर हम लोग आज आंदोलन में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग प्रखंड स्तर पर भी करेंगे। धन्यवाद। मधुबनी जिला संवाददाता।